एपीजे स्कूल चरखी दादरी से मैं आपका फाइन आर्ट्स टीचर सतवीर सिंह बोल रहे हैं। आज हम एक मॉडर्न आर्ट बनाएंगे और मॉडर्न आर्ट के अंदर हम एक ट्री बना रहे हैं। ठीक है जी, और ट्री पहले हमने एक बाउंड्री लगा ली है, आप चाहें तो फुल सीट पे बना सकते हैं। उसके बाद हम ले रहे हैं थोड़ा सा पोस्टर कलर, ब्लैक पोस्टर कलर, और ब्लैक पोस्टर कलर से हम ट्री बना रहे हैं। ये हमने एक थिकनेस के हिसाब से ट्री बनाना शुरू किया। हम इसकी लीव्स नहीं बना रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे करते जाओ। पहले हम ब्लैक कर रहे हैं, हम इसके अंदर पेस्टल कलर करेंगे। अगर आप इसके अंदर वाटर कलर करना चाहते हैं तो ये आउटलाइन बाद में कर सकते हैं। और आपके पास वाटर कलर पोस्टर कलर नहीं है तो जो कलर आपके पास अवेलेबल है, पेंसिल कलर, प्लास्टिक क्रियोन्स, वैक्स कलर, जो भी हैं आप वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी तो वही कर रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है वो कैसे कर पाएंगे, बहुत सिंपल है। ये हम ट्री बनाते जा रहे हैं, बिल्कुल आसान है। कॉर्नर्स के साथ अच्छे से टच करेंगे, ये हमारी कॉन्टेम्परेरी आर्ट है, आजकल भी ऐसा बना रहे हैं काफी, हमने भी उन्हीं से देख के बनाया है। ट्री इसमें आप कुछ जगह पे ऐसे ट्री में होती है ना टहनियां, ये हमने बना दी हैं। आप भी इधर वाली ये हो गई, ये वाली भी हो गई, हो गई ये हो गई है, ये हो गया है ऐसे। अब देखो जी, अब आपने देखा होगा हमारे ट्री ने हमारी शीट को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। ये हमारे पहले पेंसिल से जरूर बनाना है, आपने देखा होगा मैंने पेंसिल से बना रखा था ऑलरेडी, बगैर पेंसिल को गलत होने के बहुत चांस होते हैं। ठीक है, जो ड्राइंग आप चाहते हैं फिर वो नहीं बन पाती है कई बार। ये हमने ट्री बनाया है जी, ठीक है। अब आपने देखा कि हमने ट्री की फॉर्म में हमारी शीट को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये हमने कलरिंग के लिए किया है। अब जहां जहां हमने ये पार्ट को डिवाइड किया है इसमें कलरिंग करेंगे, बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें हमें अलग अलग कलर करना है, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। हमने अलग अलग पार्ट में अलग अलग कलर करना है। हम ले रहे हैं, जैसे हमने ये कलर लिया, अब हमने इसको यहाँ पे कर दिया, बस पहले आउटलाइन कर लो फिर कलर कर दो, बाहर नहीं निकालना है और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है ना। अब हम इसको यहाँ भी कर रहे हैं, ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर करने हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब हम दूसरा कलर लेते हैं,
हमने ब्लू ले लिया। अब हम यहाँ पे ब्लू कर रहे हैं, जैसे ये कर दिया, सिंपल था। अब हम कलर को चेंज कर लेते हैं और कोई कलर ले लेते हैं, जैसे हमने ये पिंक ले लिया। बहुत आराम से करना है, सिर्फ बाहर नहीं निकालना है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये है आउटलाइन, और आपके पास ब्लैक कलर नहीं है दूसरा कोई भी कलर ले लो यार, डार्क कलर ले लो कोई भी, वाटर कलर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हमने पिंक कर दिया जी, सिंपल था। अब हम थोड़ा सा येलो ले लेते हैं, येलो पोकर है ये डार्क वाला, आप इसमें भी येलो कर देते हैं भाई। आप लेते हैं ये वाला ऑरेंज ले लिया, ऑरेंज बड़ा सुंदर कलर होता है और हमने ऑरेंज लिया है बड़े पार्ट के लिए। ये वाला पार्ट हमारा बड़ा था ना, इसके लिए ये ऐसे। अब हम इसको आराम से कलर कर देंगे, बाहर नहीं निकालना है, बहुत सिंपल है आपको मालूम है। चाहे तो बीच में आप कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ड्राइंग करने में आसानी होगी और इतना मुश्किल है भी नहीं। जरूरी थोड़ी है सर को कॉपी करना है, कोई जरूरी नहीं है, आप अपने आप बनाओ वो ज्यादा अच्छी बात है। आप बनाओगे कुछ तो चेंज होगा। ये लो जी आपके ट्री के अलग अलग पोर्शंस में कलरिंग हो रही है। अब रेड लेते हैं, ये देखो भाई अब हमने रेड ले लिया है, वही हम सारे ट्री को बचा के चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कुछ बच्चे वाटर कलर यूज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाटर कलर यूज करेंगे तो ये ब्लैक वाला काम हम बाद में करेंगे, अदरवाइज हमारा ब्लैक फैल जाएगा वाटर टच हो गया तो। इसलिए पहले हम बैकग्राउंड में कलर करेंगे फिर ट्री बनाएंगे, अगर वाटर कलर करते हैं तो। पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, फिर वाटर कलर कर लेना, फिर ब्लैक आउटलाइन कर देना, सिंपल है सूखने के बाद। ये लो जी हमारा हो गया है, ट्री बन रहा है, ये बन गया भाई, बन गया, हो गया। अब हमारे एक दो पोर्शन रहते हैं, पहले हम उनको कवर करते हैं किसी भी कलर से। ये हमने इसके लिए ये कलर ले लिया, स्किन कलर टाइप कलर है ये, ये हमने ले लिया और ये कलर हमने कर दिया। ओके, बाहर नहीं निकालना, बस कितनी बार बोले, आदत है खैर बोलने की, वैसे तो आप निकालोगे ही नहीं। अब एक छोटा सा पोर्शन रह गया है, इसमें कलर कर देते हैं चेंज करके, हमने ग्रीन यूज ही नहीं किया, चलो थोड़ा सा तो कर दें, ठीक है जी। अब ये एक और कलर कर देते हैं, फिनिश हो गया बस हमारा, ये हो गई हमारे ट्री के अंदर कलरिंग। अब हमने बैकग्राउंड के लिए एक डिफरेंट कलर बचा के रखा है, वो है स्काई ब्लू। स्काई ब्लू हमने पहले नहीं किया, अब हम क्योंकि इस पोर्शन में स्काई ब्लू करेंगे।
आउटलाइन करनी है। अब आपने कलर करना है। ये हो गया। अब दूसरे में हम थोड़ा सा डार्क ब्लू कर रहे हैं, क्योंकि हर पोर्शन में हमें कलर चेंज करके करना है, सेम हम नहीं कर रहे हैं। पहले आउटलाइन, बहुत इजी है ना। अब कलर, ये देखिए आपका बिल्कुल इजी ड्राइंग थी और जल्दी ही होगी। हमारे में तो 10-11 मिनट हुए हैं, आप 15 मिनट में कर दोगे। बस क्या है इसमें, बाहर मत निकालना, जल्दी मत करना, हमारे पास बहुत टाइम है। ये आपकी पेंटिंग रेडी हो गई है, अब कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लो बेटा, बाद में मत बोलना स्क्रीनशॉट के लिए दोबारा दिखाओ सर, दोबारा नहीं दिखाऊंगा मैं। ये देखो जी आपका ट्री तैयार हो गया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और आप चाहें तो ट्री को चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी है। आपको एक इसी तरह की पेंटिंग बनानी है, बस फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्लास, थैंक यू।